एक तरफ सऊदी अरब में जीरो एल्कोहल वाली शराब पी जा रही है और जो दूसरी तरफ कतर में शराब पूरी तरह बैन है। और फीफा वर्ल्ड कप में जब बाहर के लोगों ने शराब पीने की जिद की तो कतर के किंग ने साफ इनकार कर दिया। एक तरफ सऊदी अरब में ईशा की अजान के टाइम भी डांस कॉन्सर्ट चलता रहा और लड़कियां नाचती रही, और दूसरी तरफ ईशा की अजान का टाइम होते ही कतर के किंग ने ऐलान कर दिया कि स्पीकर बंद कर दो। एक तरफ सऊदी अरब में हेलोवीन डे मनाया गया जो कि काफिरों का तरीका है, और दूसरी तरफ कतर में फीफा वर्ल्ड कप में लोगों के सिर ढके गए और खुशबू बांटी गई और अल्लाह के नबी की सुन्नत जिंदा की गई। एक तरफ सऊदी अरब में लोगों का ईमान खतरे में है और बेहयाई आम हो रही है और बाहर से सिंगर बुलाकर नाच गाना किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कतर के किंग ने बाहर से 2000 आलिम बुलाए और डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाया और कुरान की तिलावत के साथ फुटबॉल मैच की शुरुआत की और 850 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। सुभान अल्लाह, दोनों ही अरब के देश हैं लेकिन फर्क आप देख सकते हैं।